तो अनमोल बनारस यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। वाराणसी के मैं इस समय पुलिस लाइन ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ पे करीब 12:30 बजे फ्लैग मार्च निकलेगा। देख सकते हैं किस तरह तैयारियां हो चुकी है। कमिश्नर नेट वाराणसी में थानों पर आम जनमानस द्वारा की गई शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराने जाने हेतु डायल 112 की 23 चार पहिया व 30 दो पहिया वाहन पूर्व से संचालित हो रही थी। PRV का रिस्पांस टाइम और अच्छा किए जाने हेतु 7 नई चार पहिया वाहन एवं 5 नई दो पहिया वाहन कुल मिलाकर 12 नई PRV की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें कि अब 29 चार पहिया व 35 दो पहिया वाहन हो गए हैं, जिनका माध्यम से तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर शिकायत का निस्तारण किया जा सके। जिनका विस्तार विंद्रम है, थाना लंका कैंट साना जयपुरा सिंहपुर भेलपुर मरवाडी को चार पहिया वाहन, थाना कोतवाली चौक दशाश्वमेध लालपुर पांडेपुर जयपुरा को दो पहिया वाहन दी गई। रिस्पांस टाइम के सुधार के लिए ये पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स यानी कि UP 112 की हमने एक्स्ट्रा गाड़ियों की मांग की थी, जो उन्होंने हमें प्रदत्त की हैं। कुल हमें आज जो यहाँ पे हमने लॉन्च किया है 7 हमारी 4-व्हीलर्स हैं और 5 2-व्हीलर गाड़ियाँ हैं, जो वाराणसी कमिश्नरेट के 16 थानों में से विभिन्न थानों को दी जाएंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो UP 112 के लोग कॉल करते हैं मदद के लिए, तो जो हमारा रिस्पांस है वो और अधिक तेज़ होगा, जल्दी से हमारी गाड़ियाँ मौके पे पहुँचेंगी। अपराध नियंत्रण पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ साथ लोगों को राहत देने के कार्य में भी इसकी काफ़ी अच्छी हमारी मदद मिलेगी। कोविड में ये गाड़ियाँ किस प्रकार से फ़ायदा करेंगी, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि इनका बहुत लाभ हुआ है पिछले कोरोना काल में, इस कोरोना काल में क्या लाभ होगा? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने UP 112 को कॉल किया है और अपने परिजनों के बीमारी के बारे में सूचना दी है, तो हम लोगों ने इन सब केसेस को भी प्राथमिकता पर अटेंड किया है। स्वास्थ्य विभाग के साथ हम लोगों ने टाई अप किया है, वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचाई है और कई PRV व्हीकल्स में हम लोगों ने दवाओं के किट भी रखे हैं। यदि अगर कोई इमरजेंसी है, गांव में पहुँचते हैं और अगर उनको किसी दवा वगैरह की जरूरत